मरने के बाद क्या होता है आत्मा का, कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, कैसे जाता है स्वर्ग का रास्ता, आज सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे हम। आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क, कैसे फैसला होता है, आपके कौन से कर्मों की वजह से खौलते तेल में डाला जाता है आत्मा को। भगवान के पास कोई लाई डिटेक्टर मशीन नहीं, फिर भी कैसे पढ़ लेते हैं आत्मा सही बोल रही है या झूठ, कौन देता है गवाही। गीता में लिखा गया है, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, यानी शरीर भले ही नष्ट हो जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर आत्मा शरीर छोड़ती ही क्यों है? अगर शरीर छोड़ देती है तो कहाँ चली जाती है, कहाँ रहती है, कैसे रखा जाता है उसे? दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिल दिमाग में ये सवाल आते होंगे, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्या है। आत्मा ने अच्छा किया या बुरा, ये कौन फैसला करता है? दादा दादी या नाना नानी या अपने बुजुर्गों से हमने कई तरह की कहानियां सुनी। अगर कोई पाप करता है तो उसे नर्क में फेंक दिया जाता है, खौलते तेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इन कहानियों की उत्पत्ति कहां से हुई? इन रहस्यों को जानने से पहले आपको स्वर्ग और नर्क के रहस्य को समझना पड़ेगा। क्या है स्वर्ग, कैसा होता है और नर्क में क्या क्या होता है? स्वर्ग और नर्क वास्तव में होता भी है या नहीं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते। लेकिन इसको लेकर तमाम कहानियां धर्म ग्रंथों में मिलती हैं और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे स्वर्ग, और बुरे कर्मों वाले जैसे किसी को प्रताड़ित करने वाला, किसी के साथ दुराचार करने वाला, पराई स्त्रियों को गंदी नजर से देखने वाला, चोरी करने वाला, लालच में आकर हत्या करने वाला वगैरह वगैरह कर्म करने वाले लोगों को नर्क में धकेल दिया जाता है और नर्क की यातनाएं उन्हें भोगनी ही पड़ती है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें विष्णु जी और गरुड़ जी का संवाद है। ये हिंदू धर्म का महापुराण है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु है। कहा यह भी जाता है कि एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने नारायण से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, नर्क के बारे में, पुनर्जन्म और योनियों और सदगति के बारे में कई सवाल पूछ डाले। भगवान विष्णु ने गरुड़ के उन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। गरुड़ पुराण इन्हीं प्रश्नों और उत्तरों की एक सीरीज है। गरुड़ पुराण में सिर्फ स्वर्ग, नर्क, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके 19,000 श्लोक में से 7,000 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के कई रहस्यों का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में एक दिन में 200 योजन यानी कि 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है और इस तरह से एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है यानी करीब करीब 6,88,000 किलोमीटर। रास्ते में आत्मा को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है जिसके रास्ते बहुत ही भयानक हैं और आपके कर्मों के हिसाब से इस रास्ते में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मौत के बाद यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का दाह संस्कार और दूसरे काम करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में व्यक्ति के द्वारा अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस लेकर उसके घर पर छोड़ाते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने घर पर रहती है। जब मरने के बाद 13 दिन की रस्में पूरी हो जाती हैं, इसके बाद आत्मा को फिर से यमलोक में ले जाया जाता है। रास्ते में 3 अलग अलग लोकों के मार्ग होते हैं। पहला मार्ग देवलोक का होता है, दूसरा मार्ग पितृलोक का होता है और तीसरा मार्ग नर्क का रास्ता होता है। किसी इंसान के कर्मों के हिसाब से उसके लोक का निर्धारण किया जाता है। यम मार्ग में 16 पूरियां यानी नगर हैं, जो देखने में किसी हॉरर फिल्म के खंडहर से भी भयानक लगते हैं। इस रास्ते में बहुत कम समय के लिए इंसान की आत्मा को करीब करीब महीने भर में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके तड़पती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में कई नर्क हैं, जैसे अंधतम और ताम्रमय। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा हुआ है जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा दुख पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं जो पापियों को देखकर आंखें लाल करके उन्हें झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रावणी रहते हैं। श्रवण पुरुषों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के मुताबिक ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जबकि श्रावणी स्त्रियों के पाप पुण्य की डिटेल रखती हैं।
इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन, रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को देखते हैं, जानते हैं। इसलिए यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इनकी गवाही लेते हैं। कहा गया है कि यम के दरबार में कई ऋषि और अश्वमेध यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजा भी सलाहकार की भूमिका में होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद ही यमराज किसी व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेज है और अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करिएगा।